हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोग से करूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि अगर मैं वीडियो को इतना मेहनत से बनाता हूं तो आप लोग से ये उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर लास्ट तक वीडियो को देखते हो तो आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। एंड अगर वीडियो लास्ट तक पसंद भी आई तो आप एक लाइक जरूर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की शॉर्ट्स एडिटिंग। एंड ये पार्ट वन है, और भी बहुत कमाल कमाल के तरीके आएंगे शॉर्ट्स की एडिटिंग की, तो यार प्यार इस पे दिखा देना, ठीक है। तो फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइस, आज के हम अपनी फीचर चैनल को चेक कर लेते हैं। तो गाइस, आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो डीजे पृथ्वी है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सबसे पहले तरीके के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने शॉर्ट्स को आप ऐड कर लेना अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पे जो रेशियो होगी ना वो 9:16 रख लेना, एंड अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, बहुत सारे रेशियो होती है शॉर्ट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि देख लो, पूरे दिन में आप लोगों को तो एक क्लच तो मिलता ही होगा पक्का, एंड मुझे पता है आप लोग इतने स्मार्ट तो हो ही। तो आप लोग को यहाँ पे पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड कुछ इस टाइप से सेंटर में करना है अपने जो कैरेक्टर है। एंड यहाँ से देख लो, आप एडजस्टमेंट में जाके इसकी कलर ग्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाते अच्छा से। यहाँ पे देख लो ऐसा दिख रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, कलर में जाना है। एंड यहाँ पे नीचे साइड में आप आओगे ना तो देखो ऑटो HDR करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड डाउनलोड करने के बाद क्या करना कि यहाँ पे ओपन करना, देख लो यहाँ पे ऑटो HDR। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पूरे स्क्रीन में उसको फिक्स कर देना है, देखो कुछ इस टाइप से ऑटोमेटिक ये बहुत सही सा कलर आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर ला देगा। एंड देखना आप पहले और बाद का अंतर कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये आपका बहुत ही मेन पार्ट है गाइस, क्योंकि आपका जो कलर रहेगा अगर अच्छे से दिखेगा, अच्छे से उभर के आएगा, तो अच्छे से व्यूअर्स वहाँ पे रुके रहेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। तो ये ट्राई आप जरूर करना एंड मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा ये ट्रिक। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सेकेंड एडिटिंग ट्रिक के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि देख लो, अगर आपको यहाँ पे ऑडियंस की रिटेंशन चाहिए ना, तो उसमें मीम्स वगैरह, साउंड्स वगैरह अच्छे से आपको वहाँ पे एडजस्ट करके डालना होगा। देखो बहुत अलग अलग टाइप के शॉर्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पे मैं फ़नी वाले के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे देख लो मीम्स कैसे ऐड करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको लग सकता है कि यहाँ पे आपको मीम चाहिए तो वो मीम आप यहाँ पे ऐड किया करो, कुछ इस टाइप से पैन एंड जूम में जाके। यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फ़नी लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, अननेसेसरी यहाँ पे मीम्स ऐड नहीं करना, कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ऐड करना, तब आपका जाके शॉर्ट्स काफ़ी कमाल का देखने में लगेगा। एंड यहाँ पे साउंड्स भी आप ऐड कर सकते हो, साउंड्स लाइक फ़नी साउंड्स जो होते हैं वहाँ पे, आपको बहुत सारे यूट्यूब्स पे पैक ज़रूर मिल जाएंगे, तो जाके आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड देख लो यहाँ पे साउंड्स में जाके आपको कुछ इस टाइप के साउंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो जाके आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बहुत सारे फ़नी साउंड्स के पैक भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मीम साउंड्स वगैरह ये अच्छे से आप करते हो ना, तो ऑडियंस की रिटेंशन मिलेगी एंड आपका जो शॉर्ट्स वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये ट्रिक। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने थर्ड ट्रिक के बारे में। तो देख लो, जो नीचे साइड ब्लैक और ऊपर साइड ब्लैक एरिया है ना, उसमें आप शॉर्ट्स ओवरले भी ऐड कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बना कर रखा है चैनल पर, मिल जाएगी आपके ओवरले के, एंड बहुत जल्द एनिमेटेड ओवरले भी आने वाली है। तो गाइस, उसमें आप फिल कर सकते हो, या फिर कुछ इस टाइप से वेट फॉर एंड आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा ना कि जो ऑडियंस आपके चैनल पे रहेंगी ना, वो देखेंगी ना, तो वो इंतज़ार करेंगे, उससे उनको मैसेज मिलेगा उनके माइंड को कि हाँ कुछ लास्ट में होने वाला है, ठीक है, तो वो लास्ट तक बने रहेंगे। एंड इमोजीज वगैरह का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये फ़नी है, तो फ़नी में आपको कुछ इस टाइप का हंसने वाला इमोजी ऐड करना है, जिससे कि ऑडियंस के वो माइंड पे असर करता है। आप खुद सोचो, आप किसी के शॉर्ट्स देख रहे हो, अगर इस टाइप के कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आप खुद वेट करोगे कि हाँ देखते हैं लास्ट में क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी है एंड थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे वर्क करती है। एंड देखो 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट की ही तो शॉर्ट्स होती है यार, तो पूरा जान लगा के एडिटिंग करो। बहुत लोग बहुत जल्दी देखा है मैंने ग्रो करते हुए,
एक एक मिलियन सब्सक्राइबर पाते हुए, तो आप मुझे भरोसा है कि आप लोग जरूर कर पाओगे। एंड मुझे कमेंट बताना कि सबसे अच्छी ट्रिक कौन से लगी आपको। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे बेहतरीन लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।